जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एक और कंस्ट्रक्शन अपडेट के वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोबा सिटी, जो आता है सेक्टर 108 के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर लोकेटेड है। बड़ी टाउनशिप है, इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंच चुकी है, आज कितने टावर बन चुके हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ सोबा सिटी के दो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक को आ रहा है सेक्टर 106 के अंदर, उसके अंदर क्या वर्किंग है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दूसरा सेक्टर 80 के अंदर भी आ रहा है सोबा का अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, जिसके साथ आपको मिलेगा 100 एकड़ का गोल्फ और 335 एकड़ का ग्रीन एरिया, जहां पर 1,00,000 से ज्यादा पेड़ है। ऐसी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अगर आपका भी कोई प्रोजेक्ट है जिसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट आप जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कितना काम हो गया। सोबा सिटी, आप जो देख पा रहे हैं सामने ये टावर और ये लोकेशन आती है बैंग ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेस वे 75 मीटर रोड के ऊपर। ये सामने आप देख पा रहे हैं, इसे अपर द्वारका एक्सप्रेस वे बोलते हैं और ये आता है प्रॉपर सोबा सिटी सेक्टर 108 हाई राइज की लोकेशन, जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देखेंगे वहां पर ऑलरेडी टावर डिलीवर हो चुके हैं। कुछ के ओसीज इन्होंने रिसेंटली अप्लाई करे हैं, आप देख पाएंगे। साथ साथ क्रिकेट स्टेडियम भी आता है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। इसका पहले भी मैंने कंस्ट्रक्शन अपडेट के वीडियो डाले हैं, आप उनको भी जाके चेक कर सकते हैं। ये जो आप सामने देख पा रहे हो ये टावर आते हैं आपके टावर C1 और टावर C2, साथ साथ में टावर A1 और A2 ये दिखाई देता है। और तो मैं आपको बताने वाला था कि सोबा सिटी सेक्टर 106 के अंदर अपना अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज लेके आ रही है, जिसके लिए EOIs उठना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नंबर नीचे दिया गया है, एक्सपेक्टेड प्राइस 25,000 रुपए के आसपास आएगा। और जो भी आप नीचे देख पा रहे हैं, ये टावर देख रहे हैं आप B1, B2 और B3, ये तीनों टावर पहले फेज के अंदर आते थे और ये डिलीवर हो चुके हैं, बन चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं नीचे एमिनिटीज के बारे में, सोसाइटीज के अंदर क्या क्या एमिनिटीज आती है। नीचे आप देख पा रहे हैं वन ऑफ काइंड क्रिकेट स्टेडियम बना के दिया हुआ है और क्लब है, स्पोर्ट अरीना यहाँ पे दिया गया है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल क्लब विद ऑल अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज। आप चाहे इंफिनिटी पूल की बात करें जो इनसाइड है, आपका लैप पूल आता है, लगून पूल इसके अंदर आएगा, सेलिब्रेशन लॉन है इसके अंदर, एम्पीथिएटर, फेस्टिवल पार्क्स, इस तरीके के सिस्टम सेकेंड फेज के अंदर आपको और दिखाई देंगे। कुछ चीजें जैसे मैंने आपको बताया लगून पूल है, लगून पूल आएगा सेकेंड फेज के अंदर। और B4 के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन आपके 4 या 5 फ्लोर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं कि इतना ही काम होना बाकी है। लेबर फुल ऑन है, मैंने पुराने वीडियोस के अंदर भी बहुत अच्छे से क्लोजली दिखाया था। टावर A3 आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको नीचे काम होता नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ, ये टावर जो बन के ऑलमोस्ट हाइट पकड़ चुका है, ऊपर का मैं कहता हूँ फिनिशिंग का वर्क चल रहा है टावर A4 के अंदर। और A4 के बिल्कुल बगल में अगर मैं बात करूँ तो आपका क्रिकेट स्टेडियम आ जाता है, नीचे बच्चों के लिए खेलने की चीज है। और ये दो टावर है रिसेंटली जो अभी बन के इन्होंने OC अप्लाई किया है, इसकी फिनिशिंग अभी अभी हुई है और बहुत जल्दी ये टावर C3 और टावर C4, नीचे वो पूल अरीना एरिया आ जाता है, टेनिस कोर्ट्स आ जाते हैं 3। और साथ साथ में अगर आपको बताऊं तो टावर C5 और C6, तो सबसे पहले हमने वीडियो स्टार्ट करा था वो आता था टावर C5 के अंदर, टावर C6 की भी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। ये देखिए मैं अभी एकदम बिल्कुल टॉप से लेके जा रहा हूँ, जहाँ से आपको दिखाई दे जाएगा फिनिशिंग वर्क जो यहाँ पर बाकी है, ऑलमोस्ट कर चुके हैं, लास्ट का बस फिनिशिंग वर्क है, खाली हटाने वाले हैं, लेवर्स आपको कुछ ऊपर दिख ही रही है। इसके साथ साथ के अंदर अगर आप नीचे देखेंगे तो ये रोड का काम है और उसके अगला फेज जो उन्होंने लॉन्च किया था उसके अंदर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि टावर्स कौन से आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इनकी सबसे, आप कह सकते हैं सोबा का ये वन ऑफ काइंड प्रोडक्ट होगा जो आएगा NH8 के ऊपर, कर्मा लेक जो कि 335 एकड़ का टोटल लैंड बैंक है उसके अंदर 31 एकड़ के लैंड के ऊपर सोबा लेके आ रहा है अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज। आप ये कह सकते हैं शायद ये गुड़गांव के अंदर
दूसरा कमेलिया बन सकता है। कमेलिया मैग्नोलियास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप वहां का व्यू देखते हैं तो आपको 250 एकड़ का प्रॉपर ग्रीन दिखाई देता है, अंदर गोल्फ बने हुए, अंदर लेक्स बनाई हुई है, प्रॉपर अनडिस्ट्रक्टेड व्यू आपको दिखाई देता है अरावलीज का। ये है जिसकी वजह से कमेलिया से मैग्नोलियास के आज रेट गुड़गांव के अंदर सबसे ज्यादा है। ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी आपके पास अगेन आ रही है। सोबा डेवलपर अपने आप के अंदर वन ऑफ काइंड डेवलपर है। इस तरीके की डिलीवरीज उन्होंने दी हुई है वर्ल्ड वाइड। दुबई के अंदर मैटर इंफ्रा उन्होंने सारा तैयार करके दिया। इवन जो दुबई के राजा है उनका घर भी उन्होंने बनाया, वहां का पार्लियामेंट भी सोबा ने ही बनाया हुआ है। तो सोबा बहुत रेपुटेटेड डेवलपर है। वहां पर आपको अगर आपका बजट 6 करोड़ से 12-15 करोड़ तक जाता है तो जरूर कंसिडर करना चाहिए। मैं आपको उसका भी लेआउट अभी दिखा रहा हूँ। अभी आपको हल्का सा व्यू जो सामने देखने को मिल रहा है, ये आता है कर्मा लेक का व्यू। आप देखेंगे 1 लाख से ज्यादा यहाँ पेड़ है, बिल्कुल NH-8 से कनेक्टिविटी है। मैकडॉनल्ड आप लोग रुके होंगे, वो बिल्कुल पार्ट है उस कर्मा लेक का। वहीं से एंट्री करते हो, लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं बॉक्स है, ये 31 एकड़ की लैंड है। और डियर ये अल्ट्रा लग्जरी है, इट मीन्स यहाँ पर जो डेंसिटी रहेगी वो ओनली 30 यूनिट से भी ऑलमोस्ट नीचे ही रहने वाली है। टोटल 900 यूनिट्स आएंगी, एक टावर में खाली 2 अपार्टमेंट। आप जैसे कमेलिया मैग्नोलियास में देखते हैं आगे और पीछे बोथ साइड आपका ही व्यू रहता है, तो इस तरीके की चीज आने वाली है। 2800 से 3000 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेटली 3 BHK रहेगा। इसके बाद 4 BHK की बात करें तो आपका 4000, और 5 BHK की बात करें तो 4500 से 5000 स्क्वायर फीट का रहेगा। लिमिटेड 7 या 8 आपके इसके अंदर पेंट हाउसेस भी आएंगे। अगर आप लोग लग्जरी पे बिलीव करते हैं, अगर आप लोग इस तरीके की चीज लेना चाहते हैं जो हम मिस कर चुके हैं आज गुड़गांव के अंदर, बिकॉज कमेलिया मैग्नोलिया, मैं अगर मैग्नोलिया मैग्नोलिया की बात करूं तो ऑलमोस्ट 40 से 45 करोड़ के अंदर मिलता है, और अगर मैं कमेलियास की बात करूं तो ऑलमोस्ट 80 से 90 करोड़ के अंदर आपको चीज मिलती है। नॉर्मल अपार्टमेंट 7500 स्क्वायर फीट की बात करूं, 9500 स्क्वायर फीट की बात करूं, यहां पर आप पेंट हाउस ले सकते हैं उससे ऑलमोस्ट आधे दाम के अंदर, और अल्टीमेट व्यू रहने वाला है, और डिलीवरी 100% होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि विद इन 3 डेज ये पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, साइट विजिट करना चाहते हैं, तो नंबर नीचे दिया गया कनेक्ट करिएगा। मेरा ऑफिस गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर है, मैं आपको इधर का भी व्यू दिखाऊंगा और उधर का भी व्यू दिखाऊंगा, साथ साथ बेस्ट प्राइस की भी वर्किंग आपके लिए करके दूंगा। तो मिलते हैं उस कंसल्टिंग के लिए, आप नीचे नंबर दिया गया, आप लोग मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगला जो इनका सोबा का फेस था वो डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से टॉवर इसमें रह गए। तो आप जो सामने देख पा रहे हो, यस, इसका भी इन्होंने पीछे बेचा था। आपको याद होगा 1 साल पहले जब ऐलान लॉन्च हुआ था सेक्टर 106 के अंदर, तब इनका भी प्रोजेक्ट आया था, और उस समय के ऊपर इन्होंने बेचा था अप्रॉक्सीमेटली 17,000 रुपए के आसपास इस लोकेशन के ऊपर। ऑल इन का प्राइस बता रहा हूँ। ये D1 और D2 है टावर, जिसके अंदर आप देखेंगे कास्टिंग हो चुकी है, बेसमेंट का काम ऑलमोस्ट बेसमेंट की कास्टिंग चल रही है। और D3 टावर जो आता है, जिसके अंदर सिंगल टावर के अंदर खाली 2 यूनिट्स थी, आगे पीछे का व्यू था, ये लगून फेसिंग व्यू जिसको बोलते थे ये लोग, और उसी के बगल में आता है टावर आपका D4। ये वो टावर्स हैं जिसके ऊपर एक टावर पे खाली 2 यूनिट थी, पीछे वाले आपने जितने भी इनके टावर देखे एक टावर पे 4 यूनिट थी। इस ही तरीके के लेआउट्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। ये आने वाले 2 टावर और हैं Z1 Z2। और अगर आप लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर भी कुछ लेना चाहते हैं, ठीक है, सोबा के अंदर, या बेचना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ में ये बिल्कुल सामने, यस, आप देख लें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो दिख रहा है, ये इनके बिलास है। एक टाइम हुआ करता था डियर जब यहाँ पर 350 गज का बिला 6.5 करोड़ में मिलता था, 2020 के टाइम की बात है, आज 18 करोड़ का रेट है। तो कितना बड़ा एप्रिसिएशन मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी, जहाँ ब्रांड वैल्यू बहुत मायने रखती है, लिस्टेड डेवलपर होना चाहिए वो मायने रखता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वीडियो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो तक पहुंचाएं, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।